बधाई हो भारत, आपकी बेटियों ने आज गोल्ड मेडल जीता है। नमस्कार, मैं हूं सुदीप राजपूत। जी हां, आपको बता दें कि भारत की बेटियों ने चीन में इतिहास रच दिया। फाइनल में श्रीलंका को रौंद कर गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियंस गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें, हांगजो के पिंग पैंग कैंपस क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 19 रनों से पराजित किया। इस मैच में 117 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम 8 विकेट पर 97 रन ही बना सकी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार एशियन गेम्स में भाग लिया और पहली ही बार स्वर्णिम अक्षरों में ये इतिहास दर्ज करा दिया। आप सोच सकते हैं, वो बेटी जिसको इस दुनिया में आने के लिए कितना लड़ना पड़ता है, कभी अपनों से तो कभी परायों से, कभी अल्ट्रासाउंड की मशीनों से तो कभी रेलवे स्टेशन पर लोगों की गंदी नजरों से। ऐसे में उन्होंने पहले प्रयास में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका की शुरुआत खराब रही और उसने 14 रन जाते जाते अपने 3 विकेट गंवा दिए। ये तीनों विकेट तेज गेंदबाज टिटास साधु ने लिए। 3 विकेट गिरने के बाद हासिनी परेरा ने कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए, श्रीलंका को 50 रनों के स्कोर तक पहुंचाया। राजेश्वरी गायकवाड़ ने परेरा की तूफानी पारी का अंत किया। परेरा ने 4 चौके और 1 सिक्स की मदद से 22 गेंदों में 25 रन बनाए। परेरा के आउट होने के बाद नीलाक्षी डिसलवा और ओसादी रणसिंघे ने 28 रनों की साझेदारी करके पारी को संभालने की कोशिश की। डिसिल्वा को पूजा वस्त्रकार ने बोल्ड कर दिया। परेरा के बाद दीप्ति शर्मा ने ओसादी को भी आउट कर दिया, जिसके बाद भारत का काम आसान हो गया। भारत की ओर से टिटासा साधु ने 6 रन देकर 3 विकेट लिए। आप समझ सकते हैं कि T20 मुकाबले में 6 रन और 3 विकेट। वहीं राजेश्वरी गायकवाड़ की बात की जाए तो राजेश्वरी गायकवाड़, दीप्ति शर्मा, देविका वैद और पूजा वस्त्रकार को एक एक विकेट हासिल हुआ। श्रीलंकाई टीम हार के बावजूद सिल्वर जीतने में कामयाब रही। आपको बता दें, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर इस इवेंट का ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2014 में क्रिकेट को एशियन गेम्स में शामिल किया जाता है, उसके बाद लगातार पाकिस्तान का दबदबा रहा, लेकिन इस बार भारत की बेटियों ने ये बताया, ये दिखाया कि जो काम हम कर सकते हैं वो काम आप नहीं कर सकते हो। यानी कि एशियन गेम्स में पूरी तरीके से अपना दबदबा बनाया। श्रीलंका के जो विकेट गिरे, हम उसकी अगर बात करें तो पहला विकेट अनुष्का का, यानी जो पहला विकेट गिरा अनुष्का संजीवनी 1 रन, अभी श्रीलंका का स्कोर मात्र 13 रन था। दूसरा विकेट विमिसी गुडरत्न ने, अभी भी स्कोर 13 रन है। तीसरा विकेट चमारी याडापट्टू, अब श्रीलंका का स्कोर 14 रन हो चुका था, केवल 1 रन जोड़े और अपने 3 विकेट गंवा दिए। अगर चौथे विकेट की बात की जाए, हसीनी परेरा 25 रन बनाई और उस समय श्रीलंका का स्कोर 50 रन था। यानी कि आप कह सकते हैं कि श्रीलंका की जो बैटिंग लाइनअप था वो पूरी तरीके से नष्ट नाबूद कर दी हमारी बेटियों ने। वहीं इससे पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने होते भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। चौथी ओवर में उसने अपना पहला झटका लग गया जब शेफाली वर्मा 9 रन बनाकर स्पिन गेंदबाज सुगंधिका कुमारी ने स्टंप आउट करा दिया। शेफाली वर्मा, सबको बहुत उम्मीद थी कि शेफाली वर्मा जिस तरीके से T20I फॉर्मेट में खेलती बढ़िया हैं, अच्छे अच्छे शॉट्स लगाती हैं, जो बाहर स्टेडियम में बैठे रहते हैं दर्शकों को काफ़ी उनसे रोमांचित भी होते हैं, क्योंकि उनके बल्ले से जब सिक्स निकलते हैं तो हर कोई दंग रह जाता है। इसके बाद स्मृति मानधान और जेमिमा रोड्रिक्स ने मिलकर पारी को संभाला। जेमिमा और स्मृति के बीच दूसरे विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी हुई। इनको रणवीड़ा ने मंधाना को आउट करके इस पार्टनरशिप का अंत किया। मानधाना जब आउट हुई तो भारत का स्कोर 90 रन के करीब था और 15 ओवर्स पूरे नहीं हुए थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि भारत का बड़ा स्कोर बनाया गया, यानी भारत एक विशाल का स्कोर बनाने में कामयाब होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने लगातार विकेट झटकाए, जिसके चलते भारत का 7 विकेट पर 116 रन ही बना सका, यानी कि 20 ओवर 116 रन और 7 विकेट। भारत के लिए स्मृति मानधाना ने 46 और जेमिमा रोड्रिक्स ने 42 रनों की पारी खेली। श्रीलंका की ओर से स्पिन गेंदबाजों जो कि इनोका रणवीरा और सुगंधिका कुमारी ने 2-2 विकेट लिए। उदेशिका पूर्वधानी को भी 2 सफलताएं हासिल हुई। यानी कि आप साफ तौर से कह सकते हैं कि जो हमारे बेटियों ने जो काम किया है उससे भारत का मस्तक कितना ऊंचा हुआ है। जो भारत की बेटियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं
उससे भारत का तिरंगा आज कितना बढ़िया लहराया था। गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब जिस तरीके से भारत की बेटियों ने तिरंगे को अपने हाथ लेकर स्टेडियम का जब चक्कर लगाया, स्टेडियम का राउंड लगाया, आप जरा सोचिए उस समय भारत की जो छवि है वो कितनी अच्छी दिखी होगी। यानी कि भारत का जो मान बढ़ाया हमारी बेटियों ने बढ़ाया। तो देखा आपने किस तरीके से हमारी बेटियों ने हमारा मान बनाया। बेटियों को हमेशा आगे निकालें, बेटियाँ खेलेंगी, बेटियाँ खिलखिलाएंगी या बेटियाँ जब आगे बढ़ेंगी तो हमारे और आपके भविष्य को वो सुनिश्चित कर सकती हैं। एक कहावत भी हमारे यहाँ है कि अगर एक बेटी पढ़ती है तो वो दो परिवारों को पढ़ाती है। यानी एक परिवार आपका, दूसरा परिवार उसका जब उसकी शादी होती है अपने ससुराल में जाकर। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।